नमस्कार। उच्चारण सही होगा उम्मीद करती हूँ हिंदी व्याख्याताओं से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अंग्रेज ज्यादा हैं, है ना, हिंदी जानने वाले कम हैं थोड़े से। आज इस पावन अवसर को मनाने के पीछे विद्यालयों में ये औचित्य कदापि नहीं था कि हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम करना है। विद्यार्थी देश को बनाने वाले होते हैं, वो ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल के करिकुलम में प्रत्येक मुख्य त्यौहार किसी भी संप्रदाय का हो, उसका अवकाश भी होता है और उसका उत्सव भी होता है। यह उत्सव इसलिए भी मुख्य है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आपकी परीक्षाएं रहेंगी, उनका सबसे करंट जीके का जो क्वेश्चन होगा वो अयोध्या, राम जन्मभूमि या राम मंदिर पर आधारित होगा। इसमें सदियों का संघर्ष भी है। ये भी बताता है कि यदि इच्छा हो कुछ कर गुजरने की तो सदियों बाद ही सही जीत होती है। ठीक है, अगर आपका प्रयास अच्छा है तो ये मुमकिन है कि आपको मंजिल तक पहुंचेंगे, भले ही देर से सही। मैं सभी हिंदुस्तानियों का इस मंच से आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इस भव्य राम मंदिर को बनवाने में, बनाने में, और उस भूमि को सहर्ष, हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसे सहर्ष सभी हिंदुस्तानियों ने स्वीकार किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक बार सभी हिंदुस्तानियों के लिए तालियां होनी चाहिए इस मंच से। किसी एक का प्रयास कभी भी मंजिल नहीं मिलाता, हर किसी का कुछ ना कुछ प्रयास है। बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनकी सिर्फ तस्वीरें आज राम जन्म इस भूमि को देख पाएंगी, इस राम मंदिर को देख पाएंगी, इस राम लला को देख पाएंगी। बहुत से ऐसे शहीद हुए। शहीद केवल आजादी दिलाने के लिए भी नहीं होते, बहुत से श्रेष्ठ कार्यों के लिए भी लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ती है और उसका एक परिचय ये मॉडल है जो लगभग हूबहू वैसा ही बनाने का प्रयास मैम ने किया है जैसा वहां हम देख पाएंगे। और चूंकि हम 22 को वहां नहीं होंगे सभी भारतीय, स्पेशली प्रांतवासी यहाँ के, इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी खुशी, हमारा आभार, वो सब अयोध्या धाम तक पहुंचे। तो आपको जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान क्या है। ये एक मिलीजुली संस्कृति का देश है जिसने सभी को स्वीकार किया, अपने समान अवसर दिए और सहर्ष हम सभी त्योहार मनाते हैं। तो ये जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ, धर्म के साथ साथ, आप क्या हैं, क्यों हैं, वो आप अपने घर में कैसे भी रहें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जो हिंदुस्तान पढ़ाती है, जो विश्व के बारे में जानना सिखाती है। हर एक पहलू शिक्षा का आपको मालूम होना चाहिए और इसी संदर्भ में इस उत्सव का मनाने का मेन मोटो है। आप माने या नहीं माने वो आपके पर्सनल लुकआउट्स हैं, वो आपकी पर्सनल इच्छाएं हैं, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। पर एक जानकारी, एक अपने देश को जानना, अपनी संस्कृति को जानना और उससे विश्व पटल पर समझा पाना, मैं मानती हूं कि वही श्रेष्ठ भारतीय है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी का मिला जुला रूप हिंदुस्तान है। तो जय सियाराम, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी का।